नमस्कार, लता बावर्ची में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो शेक। मैंगो शेक बनाना बहुत ही आसान है और आम का भी सीजन है और मैंगो शेक लगते भी बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं मैंगो शेक बनाना। तो उसके लिए हमने एक आम लिए। अब हम सबसे पहले आम का जो भाग आगे होता है, लटका हुआ जो मुंडी की तरफ होता है, तो उसे हम सबसे पहले काट करके निकाल लेंगे और उसके बाद में हम बीज से उसे काट लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बड़ी अच्छी तरीके से काट लिया है और बहुत बढ़िया तरीके से निकल गया है। और आप अगर इस तरीके से निकालना चाहते हैं आम, तो आप इस तरीके से कट कर लें और बीज से बहुत ही अच्छी तरीके से निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरीके से सारे आम के हो गए हैं। और अब हम इसे ऊपर से काट करके सारे धीरे धीरे निकाल लेंगे। मैंगो शेक बनाने के लिए आप उसे छिलकर भी आम को निकाल सकते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं कि हमने मैं छिल रही हूँ, उसी तरीके से भी आप छिल करके निकाल सकते हैं। और इस तरीके से यदि आम को छिलते हैं आप, तो कट करके बड़ी आसानी से निकल जाती है और आपको बड़ा ही आसान होगा आम काट करके निकालने में, क्योंकि एक तो पका हुआ होता है, इसे तो काटने में दिक्कत नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं कि पके हुए आम बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने आम को किस तरीके से काट लिया है। अब मेरा आम बिल्कुल ही कट चुका है और इसे हमने बिल्कुल ही छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काटा है। आप बड़े टुकड़े में भी काट लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसे तो मिक्सी के जार में डालकर ही मुझे मिलाना है। तो छोटे रहे या बड़े रहे कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो आसानी से खुली जाएगी। तो हमने इसमें 4 चम्मच चीनी लिए हैं मैंगो शेक में डालने के लिए। आप चाहे तो 1-2 चम्मच बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही एक आम के हिसाब से चीनी लिए हैं ताकि ना ज़्यादा मीठा हो और ना ज़्यादा फीका हो, बिल्कुल ही एकदम ठीक हो। तो हमने मिक्सी के जार में चीनी और आम दोनों डाल दिए हैं। अब हम इसमें 1 गिलास ठंडा पानी मैंने डाले हैं, और आप चाहे तो इसकी जगह बर्फ़ के टुकड़े भी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ठंडा मैंगो शेक पीना हो तो आप बर्फ़ डाल दें, उससे बहुत ही ठंडा होगा। और आप देख सकते हैं कि मैंगो शेक बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है और बहुत ही अच्छी तरीके से मिल गई है, घुल गई है। अब चलिए इसे हम 1 गिलास में निकाल लेते हैं। तो हमने 2 गिलास में इसे निकाल लिए हैं। अब हम इसके ऊपर जो है आइसक्रीम रखेंगे, क्योंकि बिना आइसक्रीम का तो मैंगो शेक बिल्कुल ही बेकार है, और टेस्ट ही नहीं आएगी पीने में। मेरे घर पर मैंगो शेक सबको बहुत ही पसंद है, लेकिन मैंगो शेक जब भी बनाएंगे तो सबको आइसक्रीम तो चाहिए ही चाहिए, बिना आइसक्रीम का कोई पीना पसंद नहीं करता। आइसक्रीम डालने के बाद मैंगो शेक का स्वाद और भी बढ़ जाता है और पीने में और भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और ऊपर से आप इस पर ड्राई फ्रूट्स डाल दें तो और ज़्यादा भी अच्छा लगता है पीने में। तो हमने इसमें काजू और किशमिश डाल दिए हैं। आपको अगर मैंगो शेक की रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।